ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिवाली पर विषैली हवा को नियंत्रित करने के लिए सख्त फैसला लिया है। एनजीटी ने 30 नवंबर तक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दिल्ली, एनसीआर के सभी शहरों, कस्बों में पटाखे बेचने और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जहां पिछले 7 नवंबर में हवा विषैली थी। बता दें कि इस फैसले को लेकर एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल ने बताया कि हमारे देश में खुशी जाहिर करने के लिए पटाखे जलाए जाते हैं, ना कि किसी की मौत या बीमारियों का जश्न मनाने के लिए। वहीं कोरोना काल में पटाखे जलाने पर प्रदूषण बढ़ेगा तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सबसे प्रदूषित 122 शहरों के नाम एनजीटी को देकर पटाखों की बिक्री रोकने की सिफारिश की थी। वहीं एनजीटी ने बताया कि लोगों को ताजी हवा में सांस लेने का हक है। प्रदूषण और पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी सुनवाई कर रहा है। जस्टिस गोयल ने यह भी कहा कि लोग ताजी हवा में सांस लेने के हकदार हैं। व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने के डर से लोगों को ताजी हवा से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अदालतों को अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। आयोग का ये भी कहना है कि मानक को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण पर गठित आयोग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में मौजूदा कानून और प्रदूषण के रोकथाम निर्देशों के साथ मानक प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। ऐसा करके ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है।